रांची भारत के झारखंड राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। ये शहर झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध जगह में से एक है, जो अपनी प्रकृति तथा झरनों का विचित्र सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम झरनों का शहर भी कहते हैं। जो बिहार से झारखंड को अलग होने के बाद रांची को राजधानी बनाया गया था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को छोटा नागपुर और संथाल परगना के बिहार डिवीजनों को तराश कर किया गया था। रांची को नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। रांची में कई तरह के जनजाति पाई जाती है, जो कि ज्यादातर आदिवासी बहुसंख्या को दर्शाती है। ये शहर झारखंड के छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। महेंद्र सिंह धोनी, जो पूर्व भारतीय कप्तान थे, उसका पैतृक घर भी रांची है, जो भारत से लेकर विदेशों तक रांची को नई पहचान दिलाई है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जिसे रांची एयरपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, भारत के झारखंड की राजधानी रांची में सेवा देने वाला एक घरेलू हवाई अड्डा है। इसका नाम भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है और वर्तमान में इसका प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। हवाई अड्डा हिनू में स्थित है, जो शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डा 1568 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। हवाई अड्डे का उपयोग सालाना 1.2 मिलियन से अधिक यात्रियों द्वारा किया जाता है और ये भारत का 19वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ये शहर झारखंड के आंदोलनकारताओं का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। रांची शहर की कुल वास्तविक जनसंख्या लगभग 29,14,253 है। इनमें से पुरुष की जनसंख्या 14,94,937 है और महिला की जनसंख्या 14,19,316 है। और रांची शहर का जनसंख्या में वृद्धि दर 23.98% है और यहां का साक्षरता दर लगभग 87.68% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84.26% है और महिला साक्षरता दर 67.44% है। रांची शहर का इतिहास 1400 ईसा पूर्व के आसपास छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले कई लोहे के स्लैब, पॉट शेड, लोहे के औजारों के उपयोग के शुरुआती प्रमाण है। मगध साम्राज्य ने क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयोग किया, जो अशोक के शासनकाल तक चला। समुद्रगुप्त की सेनाएं दक्कन के अपने अभियान पर इस क्षेत्र से गुजरी। 4वीं शताब्दी में नागवंशी राजा प्रताप राय ने चुटिया को अपनी राजधानी के रूप में चुना, जो अब रांची में एक जगह है। चुटिया के कुछ खंडहर 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के है। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ नागवंशी वंश की संप्रभु स्थिति तकनीकी रूप से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन और प्रशासन करना जारी रखा। ठाकुरानी नाथ शाहदेव ने सतरंगी को सुवर्णरेखा नदी के पास बरकागढ़ एस्टेट की राजधानी बनाया। उन्होंने 1691 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। बक्सर की लड़ाई के बाद नागवंशी ईस्ट इंडिया कंपनी का जागीरदार बन गया। अंग्रेजों ने 1817 में नागवंशी शासकों को जमींदार बना दिया। 1833 में कैप्टन विल्किंसन ने किशनपुर गांव में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का मुख्यालय स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने पहाड़ी की तलहटी में स्थित हेमलेट के नाम पर रांची रखा। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने 1869 में रांची को नगर पालिका बनाया और 1872 की जनगणना में रांची को पहली बार एक शहर कहा गया। नागवंशी ने 1870 में पालकोट से अपनी राजधानी रातू में स्थानांतरित कर दी। उदय प्रताप नाथ शाहदेव ने 1900 में रातू पैलेस का निर्माण किया। नागवंशी वंश के अंतिम शासक लाल चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव 1931-2014 थे। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 9 जून 1900 को रांची जेल में मृत्यु हो गई। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर रांची में बस गए। टैगोर हिल, जहां उनका घर था, और उनके नाम पर उनकी याद में रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद रांची ने अपनी जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। 1901 से 1941 में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 3.5% थी, जो 1951-1971 में बढ़कर 14% हो गई। ये बड़े हुए औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के साथ साथ विभाजन के बाद के शरणार्थियों के आगमन के कारण था। 1958 में रांची एक प्रशासनिक सह औद्योगिक शहर बन गया, जब भारी इंजीनियरिंग निगम की स्थापना हुई। बाद के वर्षों में रांची निम्नलिखित के लिए मुख्यालय बन गया और यहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में मौजूद है।
2000 में झारखंड के निर्माण तक ये शहर बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहा, जब रांची नए राज्य की राजधानी बन गया। रांची शहर की स्वास्थ्य सेवा, बीमारी से दूर रहने के लिए इंसान को हॉस्पिटल या डॉक्टर की जरूरत होती है। इसी तरह रांची जैसे शहर में बहुत ही नमी धमी हॉस्पिटल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची RMS उपलब्ध है, जो कि झारखंड सरकार इस हॉस्पिटल को संचालन करता है। यह हॉस्पिटल इस जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, क्योंकि ये राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची हॉस्पिटल में हर एक तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, जो कि रांची वासियों के लिए हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है और पूरे झारखंड वासियों को भी इलाज का सुविधा प्रदान करता है। इनके अलावा रांची सिटी में कई छोटे बड़े हॉस्पिटल है, जिनमें से कुछ निजी हॉस्पिटल भी है। गुलमोहर अस्पताल, कश्यपबाई हॉस्पिटल और सदर अस्पताल रांची में मौजूद है। रांची शहर के पर्यटन स्थल बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ऑक्सीजन पार्क, रॉक गार्डन, दसम वाटरफॉल्स, हुंडरू जलप्रपात, जैव विविधता पार्क। अभी ये रांची शहर तेजी से उभरता हुआ एक शहर है, जो कि यहाँ के आदिवासी अपना स्थानीय धर्म सरना का पालन करते हैं। यहाँ पर बहुत ही पारंपरिक तौर से अपनी संस्कृति को दर्शाती है, जैसे नागपरी, मुंडारी, करमाली और बुनौप जाति की प्रमुख भाषाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रांची सिटी को स्मार्ट सिटी में परिवर्तन के लिए प्रोजेक्ट किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।